नौजवानों को प्रोवाइड कर सके। 30 साल में हमें एक रास्ता बताया, हमें उस रास्ता पर इसमें जितनी भी कमियां हैं वो दूर करनी है। आखिर में मैं फिर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे गनी साहब ने कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको डेवलप किया जाएगा। अगर ये डेवलप हो जाता है यहाँ पर अच्छी तरीके से, तो यकीनन मुझे लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे अगर खूबसूरत ग्राउंड होगा वो यही होगा नंगाली का ग्राउंड। हमारी तरफ से कोशिश रहती है, जिसे हमारे साथी हैं जैसे डॉक्टर वहीद है, सईद इमरान शाह साहब हैं, या जाहिद अली है, या दूसरे भी हमारे प्लेयर्स हैं, हमारा मकसद ही एक है कि आप सब की जो एनर्जी है वो सही रास्ते पर लगाई जाए। अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ या रजौरी को देखा जाए, आप देखें ड्रग्स में कितने हमारे नौजवान जो है अपनी जाने जिन्होंने दी है। तो आप लोग जैसे आपने देखा होगा कि गनी साहब ने भी आपकी स्पीच में कहा, इस वक्त हमारी हो वो बुक्स पर लगाएं, वो खेल में लगाएं, तो आने वाला फ्यूचर जो है हमारा ब्राइट होगा। मैं खास करके ये जो नगानी की जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजर टीम थी इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा टूर्नामेंट आपने यहाँ करवाया और दो ब्लॉकों को इसमें आपने इंगेज किया और इस यूथ को इंगेज किया। उसके साथ साथ मैं आखिर में मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि हमारी एक डेलीगेशन था जो ऑनरेबल एलजी साहब से कल जमाने को जीती जिला चौधरी गरी साहब उनके साथ आए हुए सरपंच जी हजरात, तो यहाँ पे जो यूथ मौजूद है इस मौका पे सबसे पहले यहाँ इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट तो इससे जुड़ा रहता है, लेकिन आप लोगों का जो विजन है कि देहात में जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है, क्योंकि गांव में टैलेंट भी ज़्यादा है, तो गांव की आबादी को गांव के बच्चों ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको इनको हर वक्त देखना चाहिए। और जब जब भी आपको इस ग्राउंड में आने के लिए कॉल दें तो आप तमाम तर मसूरियात अपनी को मंसूब करके इस ग्राउंड में आपको आना चाहिए था। आप बच्चों को मैं ये मैं गुजारिश करूँगा, शायद ही आपको चौधरी अब्दुल गनी जैसा कोई लीडर मिले। वैसे भी ये तो हमारे ब्लॉक का इस वक्त DTC काउंसलर है और दो ब्लॉक इनके पास हैं, नंगाली भी और पुंछ भी। इंशाल्लाह आने वाला हमारे ये MLA होंगे और हमें कुछ ऐसा कोई नहीं लगता कहीं भी आपको चलने वाला नहीं है। इसके बाद मैं रोड के लिए पहले भी उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। आपकी जो ऑर्गेनाइजर है अदरीस, उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपके जितने और ऑर्गेनाइजर इसमें शामिल हैं तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अफरीदी साहब हैं और जितने भी शाह साहब हैं, जितने भी आप लोग खेल से जुड़े हुए हैं और हर जगह ये जाते हैं, जाके उस एरिया के नौजवानों को इकट्ठा करके उनके अंदर वो जागृति पैदा कर रहे हैं। और आज अल्लाह का ये करम है कि एक वक्त वो था हमारा कोई आदमी बैट पकड़ने वाला नहीं था, आज हमारे बच्चे खेलने के लिए तैयार हैं। और जो अभी एक छोटा सा बच्चा था यहाँ बैट पकड़ के वो खड़ा था, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा कल ये यही होगा जो यहाँ लीड करेगा। तो इसलिए आखिर में आप तमाम को मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जितने भी डेवलपमेंट इसकी हो सके ग्राउंड की। पीर साहब आपने संग बना रखा है, आप फिक्र ना करें, आपकी मर्जी के मुताबिक काम होगा इंशाल्लाह। मैं इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद जय हिंद। इसके बाद जब भी टाइम मिलता गेम शेम में बातचीत करना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए जरूरी है। कोशिश करनी जो ड्राइविंग वाला कंसेप्ट है उसको बाहर ही रखें। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चा बूढ़ा है जवान है जो भी है, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा यार हम मिलके काम करेंगे और जो ये ड्रग वाला ये सिस्टम है।
और सभी को बोल सकते हैं और एनबीएल सीजन फर्स्ट टी ट्वेंटी एंड पॉलिस का तो पॉलिस ने यह मैच जीत कर फिर डाल दिया है कि यहाँ गिरते हैं सौ सवाल मैदान जंग में वो तीन क्या जीरो के घुटने के बल चले और पॉलिस ने ये एक जबरदस्त मुकाबला अपने नाम की और फिर आप देख सकते हैं बिल्कुल सभी खिलाड़ी इतने खुश हैं कि ना उम्मीदी के एक दौर से निकल के फाइनल की इस ट्रॉफी को उठाएंगे और सब रुकना मेरे कहीं ना कहीं लग रहा है मायूस होगी काफी अच्छी पोजीशन में आ चुकी थी अच्छी दो तीन खिलाड़ी जल्दी आउट निकाल लिए थे उसके बाद थोड़ा सा एक तूफान है शीख के नाम का तूफान।